नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजार की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश चाटी और बाजार की चाल में चर्चा करेंगे यहां पर कम्युनिटी बाजार के बारे में। और कम्युनिटी बाजार पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता जी। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम टीवी पर। जी अखिलेश जी। अनुज जी, सबसे पहले अगर नॉन एग्री कम्युनिटीज में गोल्ड और सिल्वर की बात की जाए तो गोल्ड और सिल्वर में देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से थोड़े निचले स्तर आते हुए देखे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे भी और डोमेस्टिक लेवल दोनों में ही हम देख रहे हैं कि गोल्ड में यहाँ पे नरमी आई है, तो आपको क्या लग रहा है ये गोल्ड में नरमी क्यों आ रही है और आगे बाजार कैसा रहेगा? देखिए, गोल्ड में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है क्योंकि आगे फेडरल बैंक के इंटरेस्ट रेट की वजह से थोड़ा सेंटीमेंट यहाँ पे वीक होता हुआ दिखाई दिया है। देखिए, हमारा मानना है कि भाव अगर नीचे आएंगे तो उतना ही खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव होंगे। फिलहाल फेडरल बैंक की मीटिंग चल रही है, उसकी वजह से थोड़ा सा सेंटीमेंट नेगेटिव है। दूसरा, इक्विटी मार्केट में गिरावट की वजह से भी मार्जिन कॉल्स की वजह से भी यहाँ पर हमें सेलिंग प्रेशर आता हुआ देख रहे हैं। ठीक है। अरुण जी, बात करें क्रूड की तो क्रूड में तो देख रहे हैं कि चाइना की राजधानी फिर से वहां पे लॉकडाउन लगा है, कोरोना के केसेस फिर से चाइना में बढ़े हैं। दूसरा, 2 जून को जो ओपेक की बैठक हुई थी उसमें फैसला लिया गया था कि जुलाई और अगस्त में 648,000 बैरल पर डे के हिसाब से जो प्रोडक्शन है क्रूड की वो बढ़ाई जाएगी। उसके बावजूद देख रहे हैं क्रूड के प्राइसेस $120 के ऊपर आज भी सस्टेन है, तो ऐसे क्यों हो रहा है? हाँ, देखिए, क्रूड के भावों में तेजी की वजह से ये है कि जो सप्लाई है वो ऑलरेडी काफी कम है। हालांकि ओपेक ने जो प्रोडक्शन बढ़ाने की बात बोली है वो उतना प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया जितना रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इस टाइम US में ड्राइविंग सीजन चल रहा है और आगे कुछ यूनिट भी उनकी स्ट्रॉन्ग की वजह से बंद है, तो वो जो सप्लाई है वो ऑलरेडी काफी कम है। तो प्रोडक्शन बढ़ाना जो उन्होंने फिगर करी है वो उतनी नहीं है जितना कि प्रोडक्शन को पूरा कर सके, उसकी वजह से बिजली तेजी की तरफ है। हमें लगता है कि अभी क्रूड के भावों में तेजी रहेगी, एक्सपेक्टेड है ऊपर क्रूड के भाव $125 से लेकर $130 तक के लेवल को छू सकते हैं। जी अनुज जी, बेस मेटल्स में क्या लग रहा है? जिस हिसाब से डॉलर कभी मंदा कभी तेजी की ओर जा रहा है तो इसका असर बेस मेटल्स पर कितना देखने को मिलेगा? बेस मेटल देखिए पॉजिटिव साइड में ही है, हमें लगता है कि सपोर्ट लोअर लेवल पे रहेगा। बेस मेटल में खरीदारी की सलाह ही हमें लगता है कि यहाँ पर देखी जा सकती है। बेस मेटल के अंदर हमारा बाय का ही कॉल रहेगा। कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक में बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। हमें लगता है कॉपर में करीबन ऊपर में 770 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, जिंक में 317-318 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। तो जिंक, कॉपर, एल्युमिनियम में खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। जी अनुज जी, नेचुरल गैस में क्या लग रहा है? नेचुरल गैस में क्या अभी डिमांड ज्यादा है जिसकी वजह से हम $8 के ऊपर यहाँ पे प्राइसेस को जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए, नेचुरल गैस में सप्लाई थोड़ी कम है, यूरोप की तरफ से सप्लाई काफी कम देखने को मिली है, इसकी वजह से हम देख रहे हैं कंटिन्यूअसली पॉजिटिव साइड में नेचुरल गैस के प्राइस जा रहे हैं। हमें लगता है नेचुरल गैस में अभी खरीदारी का ही ट्रेड रहेगा और एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर अभी जो नेचुरल गैस के प्राइसेस हैं वो आने वाले दिनों में तेजी की तरफ जा सकते हैं, तो यहाँ पर हमें लगता है खरीदारी का ही ट्रेड नेचुरल गैस में देखने को मिल सकता है। ठीक है अनुज जी, अगर एग्री कम्युनिटीज की बात की जाए तो ग्वार कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं कि काफी नरमी के साथ ट्रेड करता नजर आ रहा है। गम देख रहे हैं कि 10,675 का लो लगा चुका है, वही सीड भी 5600 के दायरे में ही है, तो क्या लग रहा है ग्वार में जो नरमी आ रही है वो क्यों आ रही है? देखिए, जिस तरीके से राजस्थान के कुछ एरिया में हमने बारिश होते हुए देखी है, ग्वार के प्रोसेसिंग एरिया में बारिश देखी है, इसकी वजह से जो सोइंग एक्टिविटी है वो बढ़ सकती है, इसकी वजह से हमने ग्वार में नरमी आते हुए देखी है। हमें लगता है कि अभी भाव कुछ और नरमी के साथ ट्रेड हो सकते हैं क्योंकि स्विंग एक्टिविटी ग्वार की बढ़ती हुई दिख रही है और आगे भी हमें लगता है कि जो स्विंग एक्टिविटी बढ़ेगी तो भाव नीचे आएंगे। तो फिलहाल अभी ट्रेंड थोड़ा डाउन लग रहा है, ग्वार के भाव 5600 तक आ सकते हैं। जी अरे जी, ग्वार की तरह हमने मसालों में भी यहाँ पर नरमी आते हुए देखी है, मसाले भी बीते कुछ दिनों से लाल निशान पर ही ट्रेड करते नजर आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है सोइंग और प्रोडक्शन के हिसाब से मसालों का जो बाजार है आगे कैसा रह सकता है, क्या प्राइसेस रह सकते हैं? देखिए, यहाँ पर भी मॉनसून का ही इम्पैक्ट है क्योंकि आगे जो नई क्रॉप की सोइंग होगी वो हालांकि थोड़ा टाइम है, अगर वो डिपेंड करता है सॉइल के अंदर मॉइस्चर की, तो अगर मॉनसून समय से नहीं होता है तो यहाँ पर हम तेजी आते हुए देखेंगे। मगर अब जिस तरीके से हम एक रिवाइवल देख रहे हैं मॉनसून के अंदर, उसकी वजह से आगे एक्सपेक्टेड है कि सोइंग अच्छी हो सकती है, तो उसकी वजह से हमें लगता है कि मसालों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। तो पर्टिकुलर जीरा हमें लगता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आ सकता है, बट अगर ये 21,000 के आसपास मिलता है तो वहाँ पे खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। जी अनुज जी, बात करें बिनौला खल की तो बिनौला खल का जून वाला देख रहे हैं 2795 तक का लो लगा चुका है, तो क्या लगता है इससे, क्या ये एक इशारा है कि बिनौला खल की जो प्राइसेज है थोड़े और करेक्ट होंगे या फिर यहाँ से बाइंग इनिशिएट हो जाएगी?
देखिए बिनौला खंड में देखें तो डिमांड कम होने की वजह से भावों में एक सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, और जो सीजन होता है जनरली इसमें डिमांड कम रहती है। हमें लगता है कि अभी बिनौला खंड के भाव थोड़े दबाव में ही रहेंगे और एक्सपेक्टेड नीचे 9000 करीबन 2700 तक के लेवल दिखा सकते हैं, 2700 तक के लेवल यहाँ पर आ सकते हैं। तो बिनौला खंड के अंदर जो ट्रेंड है थोड़ा सा नेगेटिव ही है, हमें लगता है कि आने वाले दिनों में 2700 तक के लेवल बिनौला खंड में देखने को मिल सकते हैं। जी अनुजी, एडिबल ऑयल पैक में क्या लग रहा है आपको? जिस हिसाब से इंडोनेशिया की तरफ से खाद्य पाम तेल को लेकर फैसले आ रहे हैं और भारत में ऑयल सीड्स की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ने की बात कही जा रही है, तो इसका असर खाद्य तेलों के बाजार पर कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव? देखिए खाद्य तेलों की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने नरमी का ही रुख देखा है। अगर हम पूरे वैश्विक बाजार की बात करें तो वहाँ पर हमने भावों में गिरावट आते हुए देखी है। हमें लगता है कि अभी फिलहाल सभी खाद्य तेलों में एक नरमी का रुख रहेगा। भारत के अंदर जो अवेलेबिलिटी वो भी अच्छी खासी है और इस बार देखें तो पैदावार भी अच्छी हुई थी, तो हमें लगता है कि अभी फिलहाल खाद्य तेलों में एक नरमी का रुख ही देखने को मिल सकता है और भाव नीचे की तरफ ही आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है अनु जी, बात करें अगर वीट की तो वीट देखने की काफी ज्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है एग्री कमोडिटीज के अंदर। जिस हिसाब से सरकार ने अभी तक फैसले लिए हैं वीट के ऊपर फूड सिक्योरिटी को देखते हुए और एक्सपोर्ट के ऊपर जो जितने भी अभी तक बैन लगी हैं, तो उसको देखते हुए आपको वीट का बाजार कैसा लग रहा है? देखिए गेहूं में भी हमने यहाँ पर प्राइस में बढ़त आते हुए देखी है क्योंकि इस बार क्रॉप कम थी, सरकार की तरफ से खरीदारी भी कम देखने को मिली है जी। और इस बार अगर देखें तो थोड़ी प्रोडक्शन भी यहाँ पर कम आती हुई दिखाई दी थी। हमें लगता है कि अभी वीट के अंदर भावों में तेजी का रुख रहेगा और आने वाले दिनों में भाव और बढ़ सकते हैं, तो फिलहाल अभी जो ट्रेंड है वीट के अंदर वो तेजी का ही है और हमारा मानना है कि आने वाले दिनों में भावों में तेजी का रुख रह सकता है। जी अरे जी, मेंथॉल की बात करें तो मेंथॉल में आपको क्या लग रहा है, मेंथा का क्या बाजार इस बार कुछ उठ पाएगा? देखिए डेफिनेटली मेंथा के भाव में हम तेजी आते हुए देखेंगे। हमें लगता है कि जल्दी ही मेंथा के भाव जैसे आज भी हम तेजी में देख रहे हैं, हमें लगता है कि ऊपर में 1100 तक के लेवल मेंथा में देखने को मिल सकते हैं और यहाँ पर भी थोड़ा प्रोडक्शन कम की बात सामने आ रही है, हमें लगता है 1100 तक के लेवल जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं। जी अनुजी, एग्री कमोडिटीज में टॉपिक्स क्या देना चाहेंगे आप? देखिए यहाँ पर हमारी बिकवाली की ही सलाह रहेगी, यहाँ पर हम ग्वार के अंदर बिकवाली की सलाह देना चाहेंगे। हमें लगता है कि करीबन 5800 के आसपास बिकवाली करें, नीचे टारगेट 5700 से लेकर 5650 तक का हो सकता है। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर भी बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं, नीचे टारगेट करीबन 2700 रुपए तक देखने को मिल सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं, बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।